आजकल देखा जा रहा है कि छात्र अपनी छोटी उम्र में ही तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके माध्यम से बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाकर सामने ला रहे हैं। ऐसा ही एक खास प्रोजेक्ट कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने बनाया है। फिफ्थ सेमेस्टर के छात्रों का यह प्रोजेक्ट असल में एक रोबोट है, जो चरपहिया वाहन जैसा दिखता है, जो अस्पतालों में मरीजों तक दवा उपलब्ध करा सकता है, देश की सुरक्षा में लगे जवानों की मदद कर सकता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रोफेसर की माने तो छात्रों ने दो तरह का रोबोट बनाया है। पहला रोबोट खुद से अपने अवरोध को पहचानता है, जबकि दूसरा रोबोट मैनुअली और ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। ये जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट के छात्र हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, और इन्होंने दो रोबोट बनाया है। एक रोबोट बनाया उन्होंने ऑब्स्टेकल डिटेक्शन रोबोट, और एक बनाया उन्होंने ऑल इन वन रोबोट। और इनका पर्पस है, इनका जो अगर हम कहें एप्लीकेशन कहाँ है, तो पहला एप्लीकेशन हम कह सकते हैं इनको मेडिकल लाइन में एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर हम लोग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, या कैरी करने के लिए कुछ अगर हमको कैरी करके इधर से ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर यहाँ ये बनाने का इनको कैसे मतलब मिला कि इस तरह का? तो ये एक्चुअली हम ये बनाने का है, ये 7 निश्चय 2 के द्वारा जो है 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज को हब बनाया गया, और 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्पोक्स है, जिसमें कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोबोटिक्स का परीक्षण कराने के लिए दिया गया है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के बच्चे इसमें भाग लेंगे, और IIT पटना के द्वारा ये कंडक्ट कराया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने बताया कि ये ऑब्स्टेकल डिटेक्टर रोबोट है, रास्ते में अवरोध आने पर ये अपना दिशा बदल लेगा। साथ ही बताया कि ये बेसिक रोबोट था, अब हम लोग एडवांस रोबोट बनाने की तैयारी में हैं, जो बम भी डिटेक्ट कर सकेगा। ये जो हम लोग ने रोबोट बनाया है, इसका नाम ऑब्स्टिकल डिटेक्टर रोबोट है। ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने हमें आएगा तो ये सेंस करके ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इसका मेन पर्पस ये था कि मेडिकल में और सेना के लिए था, जैसे कि अभी हमारे देश को इस तरह के टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़रूरत है। जैसे चाइना हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी हम लोग बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं, जो कि सेना को कुछ तरह से हेल्प हो सके। जैसे कोई बम को डिस्ट्रॉय करने में हमारा ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हमारा रोबोट जो है काम आएगा। इस तरह ये रोबोट किस तरह डिटेक्ट करता है बम निरोधक में? ये अभी ये तो बेसिक रोबोट था, इसके आगे एडवांस रोबोट बनाने की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं, जो कि क्या करेगा कोई भी जो बम है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आएगा, जो सेना में हमारी इस जरूरत को पूरी होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश सागर ने बताया कि ये रोबोट कॉलेज की सुरक्षा में लगाया जाएगा। मेन गेट पर छात्रों का आई कार्ड स्कैन करेगा, पहचान होने के बाद ही कॉलेज का दरवाजा खुलेगा और फिर छात्र अंदर आ पाएंगे। अगर कोई सुरक्षा कवच तोड़ता है तो घंटी बजाकर सबको सूचित भी करेगा। फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे सर, RFID इन शॉर्ट बोलते हैं सर, तो हमने सबसे पहले क्या किया सर, इस पर प्रोग्राम कर दिया है सर, और हम लोगों ने जैसे बच्चे का सर है कार्ड है गुंजन कुमार, तो हमने सर इस पर कार्ड पे कार्ड लगा दिया है और हमने इसका कार्ड को ऑथोराइज कर दिया है, और हमारे पास पैरेलली में ही सर 2 कार्ड है जो अनऑथोराइज है, मतलब इस पर हम लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया इसका। हम लोगों ने ये किया, कोई भी बच्चा जो इस कॉलेज का है, आइदर स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो कॉलेज के गेट पे यहाँ पर कार्ड लगाएंगे तो कुछ देर के लिए गेट खुल जाएगा, ग्रीन और ग्रीन लाइन से इंडिकेट करेगा कि जो ऑथराइज्ड है। दूसरा कार्ड लगाएगा जो अनऑथराइज है, और सर ये जैसे अनऑथराइज कार्ड कोई बाहरी आके लगाना चाहेगा उनके लिए जो गेट है ओपन नहीं होगा और एक अलार्म देगा रेड लाइट के। ऐसा जगह जहाँ कोई अदर ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, जहाँ हम लोग चाहते हैं कि अनऑथराइज पर्सन एंट्री ना करे, जस्ट लाइक स्कूल हो गया या फिर कॉलेज हो गया, यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हॉस्टल हो गया सर, हॉस्टल में हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। वाकई ऐसा आविष्कार कर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने कमाल कर दिया है। सुविधा और सुरक्षा के मापदंडों पर छात्रों का यह बेहतरीन आविष्कार है।
छात्रों के इस बेहतरीन आविष्कार का हर कोई प्रशंसा कर रहा है। देशवा न्यूज के लिए कटिहार से नीरज झा की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।